तो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो माय फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर आप फ्री में टॉप अप करना चाहते हो, अगर आप फ्री में मेंबरशिप वगैरह लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पहले से लेके इन तक कोई भी एक पार्ट मिस ना करिए, कोई भी एक पार्ट स्किप मत करिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पार्ट को स्किप कर जाते हो तो आपको शो में प्रोसेस बताने वाला हूँ, उसको आपको समझ में नहीं आएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले से लेके लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डालता यूट्यूब पर, कोई भी ऐसा ऐप के बारे में नहीं बताता जो काम नहीं करता है, जो फेक होता है। मैं वही ऐप के बारे में बताता हूँ, वही वीडियो डालता हूँ जो रियल होता है, सच में काम करता है। पहले मैं उसको यूज़ करता हूँ, चीज़ों को समझ लेता हूँ, अगर वो काम कर जाए तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज हम जो करने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को बेसिकली तीन चीज़ चाहिए, वो है आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर। तो ये तीन चीज़ चाहिए। उसके साथ और एक चीज़ चाहिए, वो है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो भी आपको चाहिए। तो हो गया चार चीज़, मान लेते चार चीज़ आपको चाहिए चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो कोई बात नहीं, आप अपना माँ का कर सकते हैं, आप अपना फादर का कर सकते हैं, या ब्रदर का कर सकते हैं, या कोई भी रिलेटिव का आप कर दे सकते हैं। तो उसको करने से भी आपको पैसा मिलेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो जैसे आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे के रखा हूँ, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक वीडियो है और इसके जो ये है डिस्क्रिप्शन पे, आप यहाँ पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ क्लिक करने से ये रिडायरेक्ट हो जाएगा गूगल क्रोम पे। अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लीजिए, या इसको नोट करके आप सेम टू सेम आप गूगल क्रोम पे पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिंक पर क्लिक कर देते हैं, तो कर दिया और हम आ गए यहाँ गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आपका मोबाइल नंबर। आप कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, उसमें उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको सही है, ठीक है। तो हम यहाँ दे देते हैं एक मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देते हैं और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद, ठीक है। तो आप यहाँ वेरीफाई योर नंबर, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, 6-digit OTP, उसको आपको यहाँ टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपको कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू 6-digit PIN, तो आपको 6 अंकों का एक पिन रखने के लिए कह रहा है। तो ये एक पासवर्ड होता है, जब भी आप ऐप स्टोर को ओपन करोगे तो आपको ये पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो आप एक 6-digit PIN रख लीजिए, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वही पिन दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, तो एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए और यहाँ अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करने के लिए उस पर एक OTP जाएगा, उसके लिए आप यहाँ गेट OTP यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर जो OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पैन नंबर मांग रहा है, तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद आपका पैन नंबर में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करके दे दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ डेट ऑफ बर्थ कैसे देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यार है जो, वो आप ऐसे यहाँ पर क्लिक करके ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे आप सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसा एक फॉर्म आएगा, आप यहाँ पर डिटेल्स दे दीजिए आपका, फिलअप कर लीजिए। और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट्स योर
जेंडर तो आप वॉच योर जेंडर, तो आप मेल फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप शादी कर लिया तो यहाँ मैरिटेड पर क्लिक कीजिए, और अगर आप सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ अपने हिसाब से दे दीजिए, जो एनुअल इनकम है वो मैं ऐसे रख देता हूँ, आप अपने अपने हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद नीचे आइए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो आप अगर ट्रेडिंग पे एक्सपीरियंस है तो आप अपने हिसाब से दे दीजिए, या तो आप लेस देन वन ईयर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर नेम यहाँ पर टाइप करना है, जो पैन कार्ड में जैसे है वैसे ही टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ आप ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, आप यहाँ बिजनेस भी रख सकते हैं, और अगर आप कोई काम करते हैं जो भी आप काम करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है, उसके बाद नो, उसके बाद यस पर क्लिक करके आपको नीचे एक टिक मार्क है उसको क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आई वॉन्ट स्टॉक फॉर रुपी जीरो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर कर दीजिए, मतलब एक साइन कर दीजिए आपका यहाँ पर, ये जो बोर्ड है वाइट वाला उस पर। अगर आप आपका कर रहे हैं तो आप अपना कर दीजिए, अगर आप दूसरे किसी का कर दे रहे हैं तो उसका सिग्नेचर आप खुद कर सकते हैं, खुद करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ कनेक्ट नाउ पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और एलो कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ आपका आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप अपना आधार कार्ड का नंबर जो है यहाँ पर दे दीजिए, अगर आप खुद का कर रहे हैं, और अगर दूसरे किसी और का कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, मतलब जिसका आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर डिटेल्स देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर है उस रजिस्टर नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एलो पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट नाउ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ गट इट यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपका सेल्फी लेना है, आप जिसका भी कर रहे हैं उसका एक सेल्फी लेना है। सेल्फी कैसे लेना है, पासपोर्ट टाइप फोटो जैसा होता है ना वैसा ही प्रॉपर जो फेस होता है प्रॉपर फेस आपका आ जाना चाहिए, वैसे एक सेल्फी यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करके एक सेल्फी खींच लेना है, ठीक है। फोटो खींचने के बाद आप यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर एंटर योर बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स फिलअप करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए यहाँ अकाउंट होल्डर नेम आपका जो आप जिसका भी अकाउंट खोल रहे हैं उसका नेम, अगर आप अपना खोल रहे हैं आपका नेम यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर आपका नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ बैंक का IFSC कोड, उसके बाद यहाँ बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है यहाँ पर और यहाँ पर टाइप करके यहाँ आपका अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, सेविंग और करेंट जैसा भी है आप सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ साइन अप फॉर फ्री यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ नो आई विल डू इट लेटर यहाँ पर टिक करके यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ नॉमिनेशन डिटेल्स है तो इसको भी आप आई विल डू इट लेटर यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ई साइन योर एप्लीकेशन, तो यहाँ आधार OTP यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ ई साइन नाउ यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू ई साइन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ साइन नाउ यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आपका आधार नंबर दे देना है, उसके बाद यहाँ सेंड OTP यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ आपको एंटर करके यहाँ वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको जस्ट एक दिन का इंतज़ार करना है, आपका एक दिन के अंदर जो आपका फॉर्म है जो आपने सबमिट किया है उसको ऑफिस के तरफ से वेरीफाई करेगा। अगर सब कुछ सही है तो आपके जो मेल है उस पर एक ID और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। और जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा आपके मेल बॉक्स पे और ये जो मैसेज है उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, तब आपको क्या करना है, ये जो ऐप है ऐप स्टॉक इसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप इस ऐप को ओपन कीजिए, तो यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर दिया था वहाँ पर उस मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करके
यहाँ गेट ओटीपी यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा या मेल में भी एक जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी यहाँ पर टाइप करके ओटीपी को आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका 6 डिजिट पिन मांग रहा है, जो आपने पिन रखा था वो पिन आपको यहाँ पर दे देना है। पिन देने के बाद आप यहाँ स्किप फॉर नाउ यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आपको गॉट इट यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद मैं आपको, आप ध्यान से देखना मैं करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अकाउंट पर क्लिक कीजिए। आप अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ रेफर एंड अर्न इस ऑप्शन पर आइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट अप टू 500 फॉर रेफरिंग योर फ्रेंड्स टू अपस्टॉक। तो अगर आप किसी फ्रेंड को, किसी को भी आप अपस्टॉक पर इनवाइट करते हैं, अगर आपके लिंक के थ्रू वो अपस्टॉक अकाउंट खोल लेते हैं, तो आपको 500 अप टू 500 करके आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, यहाँ शेयर लिंक यहाँ पर क्लिक करके आप जो लिंक है आपका शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर या किसी कहीं पर भी आप शेयर कीजिए और उस लिंक के थ्रू आप एक अकाउंट खुलवा दीजिए। अकाउंट खोलने में उसको आप हेल्प कर दीजिए और जब भी वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आप सक्सेसफुली उसका अकाउंट खोल देंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 300 रुपी अकाउंट खोलने का मिल रहा है आपको। और जब वो फर्स्ट यहाँ ये जो ऐप है इस ऐप पर वो अगर ट्रेड करता है, फर्स्ट ट्रेड करता है, तो आपको एक्स्ट्रा 200 मिलेगा। ये जो अमाउंट है 500, तो ये कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी 300 रुपया हो जाता है, कभी 100 रुपया हो जाता है, कभी 700 रुपया हो जाता है। तो ये अप डाउन होता रहता है अपस्टॉक का जो अमाउंट है, रेफरल अमाउंट। तो यहाँ से आप रेफर करके बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं और ये सच में मिलता है, ये कोई फेक नहीं होता है। जो भी आप रेफर करते हैं, जो भी आपको अमाउंट मिलता है, वो आप सीधे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, सुझाव है, आप नीचे कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।